गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया हो। आज जिनका बर्थडे है उन सभी को हैप्पी बर्थडे, जिनका आज एनिवर्सरी है उन सभी को हैप्पी एनिवर्सरी। तो मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर सभी को मेरा बहुत सारा प्यार, बहुत बेस्ट विशेस के आपके, और आशा करती हूँ कि किसी के लाइफ में कोई बाधा या दुख दुविधा अभी नहीं हो या नहीं चल रहा है, यही आशा कर सकती हूँ। और आज है सैटरडे, आज है 3rd of July। आज तो जैसा आपको पता है मेरा ऑफ रहता है, और अभी एक क्या बोलते हैं प्राइम में, अमेजोन प्राइम में एक रिलीज हुआ है, देख रही हूँ वार ऑफ, थोड़ा देखने दो, मैं भूल जाती हूँ, द टुमारो वॉर, प्राइम अमेजोन प्राइम पे रिलीज हुआ है द टुमारो वॉर। अच्छा लग रहा है देख के, आप सब भी देख सकते हो, मूवी है। तो बस यही है, और इसके मेन जो हीरो है वो है क्रिस पैट, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्रिस पैट को। आपने जुरासिक वर्ल्ड में भी देखा है, आपने पैसेंजर्स में भी देखा है क्रिस पैट की मूवी, तो बहुत अच्छी लगती है। तो वो है ठीक होते सो तुम्हें चार्ज दाओ बुबले, फोटो तुलवो ना, फोटो शूट करवा ना। तो यही है फ्रेंड्स, और आज सोच रही हूँ बाबू का फोटो शूट करेंगे, थोड़ा इसके गाड़ी के साथ जो इसके नानी ने गिफ्ट दिया है इसको थोड़ा सजा दा जाके, इसका थोड़ा फोटो शूट करने का इरादा है या था, लेकिन अभी देख रही हूँ बारिश शुरू हो रहा है, अभी दोपहर के बज रहे हैं 4:15, अभी 4:15 बज रहा है और अभी बारिश की बूंद गिर रही है थोड़ी थोड़ी, तो देखते हैं मौसम कैसा रहता है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि बाबू का भी बर्थडे आ ही रहा है नेक्स्ट थर्सडे। हाँ बाबून बर्थडे, थर्सडे इसका बर्थडे है, तो तब तो और मौका नहीं मिलेगा, वीकडेज पे हबी का भी ऑफिस रहता है, मेरा भी रहता है, तो तब फोटो वोटो शूट का टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए आज सोचे सैटरडे, आज नहीं तो फिर कल संडे इसका फोटो शूट थोड़ा करेंगे, देखते अब क्या होता है नहीं होता है, यही है। और खाना वाना सब कुछ हो चुका है, रेस्ट कर रही हूँ, ये मूवी एंजॉय कर रही हूँ द टुमारो वॉर, और अभी बाहर का मौसम थोड़ा ख़राब है, बारिश बारिश जैसा है, एक दो बूंद गिर रहा है, बारिश गया। चला गया और बारिश गया है, दो तीन बूंदे गिरी और गया। चलिए आपको दिखाती हूँ, चलो चलो मामा। चलती हूँ, अभी बारिश हो रही थी जस्ट। हाँ चलो देखती हूँ, इसकी ये देखे मौसम ऐसा, हवा चल रही है मस्त, बहुत अच्छी हवा चल रही है, बारिश तो हुआ ही नहीं, मतलब दो तीन बूंदे गिरी, छत भी गीला नहीं हुआ और बारिश चला भी गया। एक चीज आपको दिखाती हूँ, ये देखिए बादलों के बीच में से थोड़ी सी रोशनी निकली हुई है, बाकी पूरा स्काई पे ऐसे क्लाउड्स ही हो रखा है। हाँ पूरा क्लाउड है, हाँ चलो तो ये है रात का डिनर, आलू की सब्जी, मेरे दो तरह के अचार, एक हबी, ये हबी अपने पसंद से खाएंगे और ये मैं खाऊंगी, और एक ही थाल में पराठा ले लिया है हबी का मेरा, बाबू का, तीनों एक साथ खाएंगे। भूख लगी बाबू? हाँ इधर देखो, इधर देखो, भूख लगी है? हाँ देखो कैसे खा रहे हैं, अच्छा है, अच्छा चलो। अभी रात को फिर से बारिश हो रही है, हमारा डिनर हो चुका है बहुत पहले ही, अभी बारिश भी आ गई। बाबा चलो अंदर चलो, आज पूरा दिन ही बारिश हो रहा है, बीच बीच में रुक रुक के, और नीचे बारिश होता है। हाँ शाम को भी हुआ, चलो चलो वहाँ भी बारिश है। हाँ वहाँ भी बारिश है, चलो अंदर, हमारा छाता उधर गया। ओके फ्रेंड्स, अभी बज रहा है रात के 11 और अभी मैं देख रही हूँ हसीन दिलरुबा,
मुझे इसका इंतजार था, मैं तो भूल ही गई कि ये 2 जून को रिलीज हुआ है, तो मैं कल ही देख लेती फिर, मुझे याद ही नहीं था कि ये रिलीज हो गया कल, अभी याद आया, अरे ये तो रिलीज हुआ है तो अभी रात को ये देखूंगी, क्योंकि कल संडे है, थोड़ा लेट उठूंगी भी तो चलेगा। तो यही अभी हसीन दिल रूबा देखती हूँ, अच्छा लग रहा है मुझे, सही में अच्छा लग रहा है, आप लोग भी जरूर देखना, अभी शुरू ही हुआ है जस्ट, लेकिन स्टार्टिंग से अच्छा लग रहा है, इसका स्टोरी अच्छा, क्योंकि इसके स्टार्टिंग में ही ऐसा है ना धमाकेदार, स्टार्टिंग ही ऐसा चीज है जिसको रिवॉल्व होके पास्ट का पहले दिखाते हैं फिर बाद में प्रेजेंट वाला, तो जरूर देखना हसीन दिल रूबा, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। ठीक है, आज का दिन तो ऐसे ही गया, आप लोगों से बाद में मिलूंगी और देखते हैं क्या होता है। ओ गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, स्लीप टाइट एवरीवन। गुड मॉर्निंग उठ जा बाबू, उठ जाओ, उठ जाओ, सोने का टाइम नहीं है, सन आ गया। कहाँ जा रहे हो? क्या करने? तुम मत आना, मैं नहीं जा रही, तुम मत आना, कितना बदमाश है। कहाँ जा रहे हो पहले बता के जाओ अच्छे से। अच्छा ठीक है, हेयर कट करने जा रहे हो, ठीक है जाओ जाओ, धीरे धीरे जाओ, धीरे धीरे। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत कड़ी धूप है, आफ्टरनून टाइम से व्लॉगिंग कर रही हूँ, अभी नहाई भी नहीं, बहुत हेक्टिक चल रहा है, अभी सुबह से बहुत काम है। हबी अभी गए बाबू को लेके हेयर कट करवाने, आज संडे है, सैटरडे हम हेयर कट नहीं करवा पाते क्योंकि इसका बर्थडे होता है, ये शनिवार को जन्मा था और हमें बोलता है शनिवार, जिस दिन आपका बर्थडे हो, जो आपका डे हो बर्थ का, उसमें आप हेयर कट नेल कट ये सब नहीं कर सकते, तो और हम भी नहीं करते सैटरडे क्योंकि मेरे बाबू का है तो बर्थडे, इसलिए तो सैटरडे को बॉर्न हुआ था। तो यही है फ्रेंड्स, अभी गया है हेयर कट लेने और बर्थडे पार्टी फाइनली हो रहा है। बहुत डामाडोल थे, बहुत ही स्केप्टिकल थे इसको लेके के करेंगे कि नहीं करेंगे, फिर जिनको इनवाइट करेंगे वो आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि अभी अंदर से जो कैंपस में रहते हैं उनको बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि बहुत रेस्ट्रिक्शन है, बहुत कुछ बोल के उनको निकलना पड़ता है। तो एक दो से पूछा है, नहीं हम बर्थडे पार्टी तो कर ही रहे, करेंगे ही, क्योंकि पिछले साल भी नहीं कर पाए थे। और एक और कपल ने बोला उनकी बेटी का भी बर्थडे था 1 जुलाई, वर्मा भैया, वो भाभी को, उनके बारे में मैं पहले भी ब्लॉग में बोली हूँ लेकिन वो लोग आए थे, उनको कभी ब्लॉग में दिखाया नहीं, तो उनकी बेटी का भी बर्थडे था 1 जुलाई लेकिन उनकी बेटी बीमार थी इसलिए वो बर्थडे पार्टी नहीं कर पाए। अभी वो लोग भी बर्थडे पार्टी करेंगे, वही बर्थडे जो 1 जुलाई वो नहीं कर पाए, अभी वो लोग भी वीकेंड में करना चाह रहे हैं, नेक्स्ट वीक 8 तारीख या 9 तारीख शायद वो लोग भी करना चाह रहे हैं, 9 तारीख या 10, मतलब फ्राइडे या सैटरडे। तो हम उनसे ही बात किए थे तो वो लोग बोले, वो लोग भी अंदर रहते हैं तो बोले हैं वो आ पाएंगे हमारे बेटे के बर्थडे में, और उनकी बेटी का भी वो बर्थडे पार्टी करेंगे ऐसा बोला है फ्राइडे। अगर हम सैटरडे करते हैं तो वो फ्राइडे रखेंगे, अगर हम फ्राइडे करेंगे तो वो सैटरडे रखेंगे, इस टाइप में हमें म्यूचुअल हो रखा है, म्यूचुअल ये चीज़ हमने डिसाइड किया है। तो देखते हैं, अभी फिक्स्ड, अभी फाइनली कुछ नहीं है कि हम सैटरडे करें या फ्राइडे, वो डामाडोल है, जो भी होगा आपको तो बताऊंगी। और उनके पार्टी में अगर जाती हूँ तो वहाँ पे भी व्लॉग करूँगी और शेयर तो ज़रूर करूँगी अपने चैनल पे। और तो वही बैक टू बैक बर्थडे पार्टी होगा, मतलब उनकी बेटी के बर्थडे पार्टी में हम जाएंगे, अगर उनका फ्राइडे होता है तो सैटरडे फिर मेरे बेटू का बर्थडे होगा। तो ये है सब कुछ प्लान, अभी कर लिया है ऐसे ऑलमोस्ट, लेकिन अभी तक मतलब जो होता है खाने वाने का बोलना या शॉप में जाके केक वगैरह ऑर्डर, वो सब कुछ नहीं किया क्योंकि जस्ट आज संडे है, आज है 4 जुलाई, आज ही जस्ट डिसाइड हुआ है, अभी हम वीकडेज चालू हो रहा है कल से, जैसे कल से हम थोड़ा थोड़ा करके प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे कि इसको बुलाना है नहीं बुलाना है या कहाँ पे करना है, क्योंकि अभी तक वो चीज़ भी फिक्स नहीं हुआ है कि कहाँ पे करेंगे, हम अपने घर में करें या फिर किसी होटल में करें, क्या करेंगे देखते हैं। थोड़ा ऐसे मेरे मन में एक आइडिया है, अगर वो होता है तो वही करेंगे, मुझे लगता है वही बेस्ट होगा, लेकिन अभी अभी ब्लॉग में नहीं बताऊंगी क्या है प्लानिंग्स, क्योंकि अगर ब्लॉग में सब कुछ बता दिया फिर सरप्राइज़ क्या रहेगा, है ना, फिर आपको बर्थडे पार्टी में, बर्थडे पार्टी वाला ब्लॉग देखने में मज़ा नहीं आएगा, इसलिए कुछ तो सरप्राइज़ रहना चाहिए। तो देखते अभी क्या होता है नहीं होता है, जो भी होगा देखा जाएगा, और ब्लॉग में तो शेयर करूँगी ही। तो चलो मैं खुश होकर, मेरे बेटे का बर्थडे फाइनली होगा, यही है। और अभी खाना भी बन रहा है मेरा,
सुबह से बहुत हेक्टिक है, साथ में स्कूल का भी वर्क रहता है, सब कुछ है, वो सब तो कर ही रही हूँ, वो सब शेयर नहीं करती, और वो सब के साथ साथ बाकी सब काम भी चलता है। मैं खुद भी बहुत कुछ मतलब क्रिएटिव चीज़ें जो होती है जितनी, इसके बर्थडे का डेकोरेशन क्या होगा, थीम क्या होगा, ये सब मेरा ही दिमाग का चलता है। मैं सब प्लान करती हूँ और हबी उसको फिर इस चीज़ का आवाज़ है, हबी उसको फिर करते हैं फाइनली। तो मैं प्लानिंग प्लॉटिंग करती हूँ और फिर हबी उसको फाइनल लुक देते हैं, फाइनली उसको कंप्लीट करते हैं। तो वही है, तो अभी सब कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके। आज बाबू का फोटोशूट भी करेंगे, कल नहीं कर पाए थे, सैटरडे सोचे थे फोटोशूट करेंगे इसका, फिर कल बारिश आ गई, उसके बाद बारिश हो रही थी तो रुक रुक के फिर मौसम अच्छा नहीं था इसलिए नहीं किया। आज मैंने आज तो उसका फोटोशूट करना ही है, क्योंकि उसका फोटोशूट करेंगे, उससे मुझे एक फ़ोटो चाहिए। मैं इनविटेशन बनाऊंगी, इनविटेशन कार्ड मैं हर साल खुद ही बनाती हूँ एडिट करके फ़ोन पे। इसका फर्स्ट बर्थडे का भी जो इनविटेशन कार्ड है यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, देख लीजिए, वो भी मैंने ही एडिट करके बनाया था। तो इस बार भी सोची हूँ थोड़ा इन्विटेशन तो करूँगी ही, एडिट करके बनाऊँगी, प्रिंट आउट निकाल के सबको दूँगी। तो यही है, जिनके पास जाके इन्वाइट नहीं कर पाऊँगी फ़ोन पे इन्वाइट कर दूँगी, उनको व्हाट्सएप पे इन्विटेशन कार्ड भेज दूँगी। तो ऐसा ही है कुछ प्लान, देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। चलिए फिर बाद में मिलूंगी। और आज लंच कुछ स्पेशल नहीं है, संडे हमारा चिकन बनता ही है, आपको पता है मेरे बेटे को चिकन बहुत पसंद है, तो वही है। तो बस अभी वही खाना बना रही हूँ, चलिए फिर बाद में मिलूंगी। इतना गर्मी है ना, बहुत ही कैसे खराब लग रहा है तबीयत। ठीक है फिर बाद में मिलती हूँ। ये मेरा बाबू मशरूम कट करके आ गया है ना, मशरूम कट है ना, बैठ के ऐसे उठ के बैठो। ठीक है देखो इधर फेस दिखाओ। बेचारे बच्चे का डेली सोचते हैं फोटो शूट करेंगे, आज रेडी भी हो गया, कर ही नहीं पा रहे हैं। हाँ, कितने जोरों से हवा चल रही है, ऐसा लग रहा है उड़ा के ले जाएगा सब कुछ, बहुत जोरों से हवा चल रही है। अरे मेरे हाथ से फोन ही ना उड़ जाए, इतना जोर चल रहा है हवा, बहुत तेज हवा चल रही है। आप ये पेड़ देख के समझ सकते हो कितनी जोरों से हवा चल रही है। यहाँ पे हम कुछ नंबर्स लिखने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा, ये भी हवा में उड़ जा रहा है बार बार। क्या हुआ है? हाँ बैठो, अभी फोटो शूट करेंगे। हाँ रोज बारिश अभी स्टार्ट हो गया, इतना दिन नहीं हुआ जब बोला बारिश आ जा। इधर देखो बाबू, शोशो बाबा शोशो, कुछ नहीं होगा, हम है ना, वाह ऐसे भी फोटो। तो
आपने लोगों ने तो देखा ही शाम को बाबू का पूरा फोटोशूट हुआ, बारिश वारिश भी हुई। अभी क्या है ना, मैकडी से मैकडोनल्ड से ऑर्डर किया है बर्गर, बहुत दिनों से खाने का मन कर रहा था, तो तीनों के लिए बर्गर, फ्राइज और क्या बोलते हैं, कोल्ड कॉफ़ी या शेक, शायद चौको शेक, वो ऑर्डर किया है। तो अभी वो आने वाला है, इसलिए अभी खड़ी हूँ छत में। डिलीवरी बॉय आ गया लगता है, आ गया। देखती हूँ रिएक्शन, चलो तो देखिए कैसा करेगा। बाबू को बोला था अभी बर्गर खाएंगे, इसको बर्गर सुन के पागल हो जाएगा। बाबू इधर आओ, ये क्या है, देखो क्या बर्गर जैसा है। आ जाओ इधर, आ जाओ बैठो। हाँ बर्गर है, और बर्गर जैसा है, तुमने देखा। अच्छा बैठो बैठो बैठो, तुमको खाना है बर्गर। अच्छा तो अभी बर्गर खाएंगे। ये कैसा कर रहा है, बहुत दिनों से मन कर रहा था बर्गर खाने का, तो यही। और आज इसका फोटोशूट वगैरह किया, बर्थडे आने वाला है तो उसी खुशी में। कोई रीज़न तो चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, बस बहाने ढूंढती हूँ किसी ना किसी रीज़न से खाने के लिए। क्या काउंट कर रहे हो, कितना सारा लिखे। अच्छा कितना सारा लिखे हो वो काउंट कर रहे हो। अच्छा कितना सारा हाथ बनाया उसको काउंट कर रहे हो, हैंड्स को। हाँ। किसका, डायनो का। हाँ। अच्छा ठीक है। नहीं। तो मॉन्स्टर। हाँ, अच्छा अच्छा घुमाना नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं वैसे करो, सीधा करो। ओके फ्रेंड्स, फिर आज का दिन तो ऐसे ही बीत गया। जाओ वहां से पानी ले लो। तो ठीक है, आज का दिन तो ऐसे ही बीत गया। आशा करती हूँ आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, मेरे बेटे के बर्थडे का प्री बर्थडे शूट व्लॉग, है ना, प्री बर्थडे फोटोशूट वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा। फोटोज़ कैसे लगे आपको बताना, मैं अभी लास्ट में अटैच कर दूंगी इसके सारे फ़ोटोज़। आप लोग देखिए कि कैसे आया है, फ़ोटोज़ अच्छे ही आए हैं। सारे फ़ोटोज़ तो नहीं है मेरे यहाँ पे, ज़्यादातर इनके कैमरा पे है, तो वहाँ से ली नहीं हूँ, जितना मेरे पास है वही यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, फिर आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी, और मुझे लगता है वो बर्थडे वाला ब्लॉग ही होगा मेरे बेटे का, और उससे पहले तो और उसको है ही नहीं मुझे व्लॉगिंग करने का, अभी पूरा हेक्टिक चलने वाला है ये हफ्ता मेरा। तो ठीक है, फिर आप लोगों से बाद में मिलूंगी, तब तक आप लोग सभी स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और बस ठीक है। चलिए फिर आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय, सी यू ऑल, टेक केयर, कीप शाइनिंग ब्राइट।